सनातन धर्म में देवी देवताओं की दीपक व आरती करने का विधान वर्षों से चले आया है। किस देवी देवता को सामने कौन से दीपक में कौन सी बातें डाले, आइए पंडित जी से जानते हैं विस्तार से। धर्म में दीपक का बहुत महत्व है। दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण के साथ हो, पूजन के साथ हो, और भगवान का पूजन करते समय भगवान को अक्षत, रोली, कुमकुम इत्यादि पुष्प भोग, इसके बाद में भगवान की आरती की जाती है, भगवान की आरती की जाती है, और उसमें भगवान को घी, तेल, सरसों का तेल इत्यादि की भगवान को दीपक भी लगाया जाता है। इसमें गोल और लंबी बाती जलाई जाती है। हमको ये चाहिए कि हम किन देवी देवताओं के सामने कौन सी बाती का प्रयोग करें। हमें चाहिए कि देवियों के सामने लंबी बाती का प्रयोग करें। लंबी बाती से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, कुल की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए माँ के सामने, लक्ष्मी माँ के सामने, दुर्गा माता के सामने, किसी भी देवी मंदिर में लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। गोल बाती का प्रयोग भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इनके जितने भी अवतार हैं, भगवान हनुमान जी महाराज हैं या राम, कृष्ण, परशुराम इत्यादि भगवान के जितने भी अवतार हैं, उनके सामने लंबी बाती का प्रयोग नहीं किया जाता, गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि गोल बाती देवताओं के सामने और लंबी बाती देवियों के सामने प्रज्वलित की जाती है, जिससे कि घर में सुख संपत्ति ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। पीपल, तुलसा जी का वृक्ष या और कोई शुभ वृक्ष के सामने भी गोल बाती का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, नकारात्मक ऊर्जा का समाप्ति हो जाती है। आए हम सब मिलकर के भगवान की आराधना करें और भगवान को दीप प्रज्वलित करें। जय श्री कृष्णा।